जब्स क्यूब में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जब्स क्यूब ही तो आएगा, यानी इसका संख्यात्मक गुणा क्या है, जब्स क्यूब का संख्यात्मक गुणा क्या है, 1 है, क्या है, और इसमें संख्यात्मक गुणा क्या है, -5, इसके संख्यात्मक गुणा क्या है, -5, और इसमें संख्यात्मक गुणा क्या है, 4xy² में संख्यात्मक गुणा क्या है, 4, संख्यात्मक गुणा मतलब संख्या, संख्यात्मक गुणांक मतलब क्या होता है, संख्या, जिससे गुणा किया गया है, इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -7, समझ में आया। अब इसमें देखिए लिखा है -2x³, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -2, ठीक। अब इसमें क्या लिखा है, लिखा है 5xy² यानी 5xy² में संख्यात्मक गुणांक क्या है, 5, ये लिखा है -4xy यानी -4xy में संख्यात्मक गुणांक क्या है, -4, क्या है, -4, और इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, 9 है, समझ में आया। संख्यात्मक गुणांक का मतलब क्या, तो संख्याओं का गुणा, जैसे ये लिखा है -3/2, ये भी लिखा है ना, इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -3/2, और इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, 5/3, और इसमें संख्यात्मक गुणांक क्या है, -7/9, समझ में आया।